दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, सुबह खाली पेट रहने पर बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ती है और चाय में भी एसिड होता है। ऐसे में अगर खाली पेट चाय पियेंगे तो एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे एसिडिटी और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सुबह चाय पीने से पहले कुछ ज़रूर खाना चाहिए। तो आज हम आपको खाली पेट चाय से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे। खाली पेट ब्लैक टी पीने से पेट फूलने की शिकायत होती है। क्योंकि चाय एसिडिक होती है, इसलिए खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी बढ़ती है। चाय खाली पेट होने की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा बढ़ा देती है, जिससे हमें भूख कम लगती है। चाय में टेनिन होता है, इससे खाली पेट चाय पीने से उल्टी जैसा फील होता है। एक दिन में 4 से 5 बार चाय पीने से पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना हो सकती है। अगर आप चाय को खाली पेट पियेंगे तो इससे बॉडी में प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन कम होता है। खाली पेट दूध वाली चाय पीने से थकान महसूस होती है और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीने वालों को अल्सर होने का खतरा रहता है। अदरक की चाय खाली पेट पीने से गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चाय को आखिर पिया कैसे जाए। तो हम आपको बताते हैं कि चाय पीने का सही तरीका क्या होता है। डॉक्टर्स के अनुसार चाय के साथ हमेशा बिस्कुट या अन्य कोई स्नैक्स लेने चाहिए। चाय के साथ बिस्कुट या अन्य चीज़ें खाने से चाय अच्छी तरह से पच जाती है। दूसरी ओर चाय के साथ नमकीन या मीठा खाने से शरीर को सोडियम की प्राप्ति होती है, जिससे अल्सर नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।